दोस्तों एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए कि कैसे लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव, नायाब नमूने कैसे ढूंढ ढूंढ कर लाए जाते हैं। मैं एक का नाम लूंगा तो दूसरा बुरा मान जाएगा, और दूसरे का नाम लूंगा तो तीसरा बुरा मान जाएगा। इसलिए अपनी इस वीडियो में एक एक करके सभी का नाम और उनके कारनामे आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी में बार बार ऐसे ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है जो वाकई अपने आप में नायाब नमूना है। याद करिएगा, एक थी प्रज्ञा, जिनका टिकट इस बार चुनाव काट दिया गया है, पिछले भोपाल से सांसद हैं अभी। उन्होंने गोडसे को महात्मा करार दे दिया था, वही गोडसे जिसने महात्मा गांधी की हत्या की थी, सोचिए। एक है हमारे हाल ही में कंगना रनौत जी, जो अजब गजब और बेहद गजब लॉजिक के साथ ज्ञान परोस रही है अलग अलग न्यूज चैनल पर जाकर। उनके अंदर का अभिनेता से नेता बनने का जो सपना था वो पूरा होने जा रहा है, इसलिए अति उत्साही हो गई है। इतिहासकारों से लेकर जिन लोगों के बारे में बोल रही हैं, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, उनकी आत्मा भी दुखती होगी कि मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था, ये कंगना रनौत को जानकारी कहां से मिल रही है। लेकिन इन सब पर भारी पड़ चुके हैं। डीडी पर आने वाले कार्यक्रम रामायण में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोयल जी, जी हाँ, मेरठ से भारतीय जनता पार्टी ने जब से प्रत्याशी बनाया है, एक के बाद एक ऐसे गजब बयान उनके सामने आ रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप हंसेंगे, माथा नहीं पीट सकते, सिर्फ हंसेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। देखिए, आपको सबको पता ही है, इसी साल 22 जनवरी को राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। बीजेपी को और खासकर मैं कहूंगा मोदी और शाह को इस बात की पूरी उम्मीद थी कि ये जो सैकड़ों सालों का इंतजार हिंदुओं का है, जब ये खत्म होगा तो मोदी लहर चल पड़ेगी, बिल्कुल 2014 से भी बढ़िया तगड़ी वाली, क्योंकि पूरा का पूरा हिंदू एकजुट हो जाएगा। हम चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताएंगे ये मोदी ही थे जिनकी वजह से मंदिर ना केवल रास्ता साफ हुआ बल्कि मंदिर का निर्माण भी हुआ। लेकिन यहां एंट्री हो जाती है शंकराचार्य की, वो बताते हैं अशुभ वक्त में हो रहा है, लेकिन ये करवाना भी जल्दी जरूरी था। ये इसलिए करवाना जरूरी था क्योंकि उसके बाद आचार संहिता लग जाती है और शिलान्यास हो नहीं पाता। इसलिए अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए सनातनों की जो परंपरा है, सनातन परंपरा, उसे खूंटी पर टांगने का काम किया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, शंकराचार्य जी ने कहा था। इसी से इफेक्ट पड़ा और जो सोचा था बीजेपी ने, खासकर मोदी शाह ने, वो नहीं पाया। यानी राम मंदिर को लेकर जो लहर चलाने की कोशिश की जा रही थी वो विफल हो गई बीजेपी की, खासकर मोदी शाह की। तो आखिरकार डीडी पर आने वाले रामायण प्रोग्राम की, राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को आगे लिया है कि राम मंदिर ना सही तो राम की भूमिका निभाने वाले राम जी यानी अरुण गोविल के जरिए ही माहौल क्रिएट किया जाएगा। लेकिन देखिए, यह दाव भी उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि एक अभिनेता अभिनेता होता है। आप उसको राम के तौर पर देखिए, आप उनको कृष्ण जी के तौर पर देखिए, आप उनको हनुमान की भूमिका निभा दीजिए, लेकिन जो कहानियां स्क्रिप्ट लिखी जाती है, स्क्रिप्ट लिखकर पढ़ना और अपने मन से बोलना, दोनों में अंतर होता है। अभिनेता अभिनेता होता है। अरुण गोविल जी ने बता दिया वो अभिनेता हैं, उन्हें जरूर देश की जनता ने उस प्रोग्राम के जरिए, रामानंद सागर की जो रामायण थी उसके जरिए हर किसी ने उन्हें राम मान लिया हो, लेकिन वो अभिनेता हैं, ये बात उन्होंने खुद कई बार स्वीकार भी की है, इस बार उन्होंने साबित भी कर दिया। सबसे पहले मैं उनका एक बयान दिखाने जा रहा हूँ, उनका बयान सुनिए, बहुत आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। पहले बयान सुनिए। तो अरुण गोविल जी हैं, अब देखिए, जय श्री राम का पट्टा पहन रखा है, खैर आचार संहिता का उल्लंघन इसे नहीं माना जाएगा क्योंकि बीजेपी के लोकसभा के प्रत्याशी हैं। गौरव श्यामा पांडे लिखते हैं, एक बार आप हमें चुनाव जिताकर भेज दीजिए, फिर हम पता कर लेंगे यहाँ क्या क्या समस्या है। अरुण गोविल बीजेपी प्रत्याशी मेरठ। इन्होंने ANI को बयान देते हुए कहा कि कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, कि सबसे पहला काम है कॉन्टेस्ट करना, यानी कि चुनाव लड़ना, आप हमें चुनाव जिताकर भेज दीजिए, उसके बाद एक एक समस्याओं को देखा जाएगा और उसके बाद उसका निवारण किया जाएगा। मैं शुक्र मनाता हूं कि अरुण गोविल जी को UPSC का चेयरमैन या फिर चुनाव आयुक्त नियुक्त नहीं किया। अगर ये UPSC के चेयरमैन होते तो अंदाजा लगाइए जितने भी सिविल सर्विसेज दे रहे हैं सबके सब पास होते, और उसके बाद उनसे कहा जाता कि अब बताइए आप में क्या क्या टैलेंट है, आप क्या क्या जानते हैं, इतिहास जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, हिंदी जानते हैं, नहीं, पहले आप बनिए उसके बाद आप एग्जाम दीजिए।
यही तो हुआ। दूसरा, अगर इनको गलती से भी चुनाव आयुक्त तो बना दिया जाता और बन गए तो सोचिए, ये कहेंगे कि प्रत्याशी जीत गया है उसके बाद चुनाव होगा, मतलब इनको समस्याएं पता नहीं है। ये ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें मेरठ के अंदर जनता की मांग, जनता की राय, जनता की जरूरतें, जनता की सुख सुविधाएं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। ये इस दौर में अपने आप को वाकई भगवान श्री राम मान चुके हैं। इनको लगता है कि इनकी तरफ भीड़ खींची चली जाती है, इन्हें राम मानती है और उस आधार पर काम हो जाएगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने अभी तक किसी के मुंह से, आपने अमूमन निर्दलीय प्रत्याशियों के मुंह से कभी कभी ऐसे मजेकाना मजाक वाली बातें सुनी होंगी, मीम्स भी बनते हैं उनके, लेकिन अरुण गोविल जी का जो ये बयान है ये बताता है कि केवल इनके एक पात्र निभाने भर से, इनके ख्याति होने की वजह से इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, वरना इनके पास कोई ऐसा वजूद नहीं है। आप बताइए कि एक ऐसा व्यक्ति जिनको जनता के बीच जाकर पहले ये जानना चाहिए था कि मेरठ की क्या समस्याएं, कहना है नहीं हमारे को तो पहले चुनाव जिताइए उसके बाद। और इसका असर भी जल्दी देखने को मिला, जब इन्होंने बयान दिया उसके 24 घंटे के बाद इन्होंने एक रैली भी निकाली, रोड शो निकाला, और रोड शो में क्या हालात है जरा देख लीजिए। तो देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का रोड शो निकल रहा है, जो ऊपर खड़े हुए हैं ये अरुण गोविल जी भी हैं इसमें। अब देखिए, ऐसे नरेंद्र प्रताप हैं, बड़े पत्रकार हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के, उन्होंने लिखा मेरठ में रामायण के राम धरती पर उतरकर वोटरों से मिलने को राजी नहीं है, ये उतरकर आने के लिए राजी नहीं है। देखिए गुस्सा कितने हो रहे हैं, कितना नाराज हो रहे हैं, लोग मिलना चाहते हैं, अपना मुद्दा रखना चाहते हैं, लेकिन वो तो पहले ही कह चुके हैं, ये तो बीजेपी के राम पहले ही कह चुके हैं कि पहले मैं चुनाव जीतूंगा फिर समस्याएं सुनूंगा फिर मैं जानूंगा क्या है। और वो कितने नाराज हो रहे हैं, देखिए इतनी नाराज की राम, अब ये सोचिए इन्होंने पात्र निभाया था तभी अपने आप को राम के तौर पर स्थापित करते। मैंने कहा ना नेता और अभिनेता में अंतर होता है, तो ये अपने अभिनय को इतना ज्यादा समझ चुके हैं कि इनको लगता है कि मैं ही राम हूं, अपने आप को राम समझ गए। देखिए बैनर पोस्टर लेके कुछ लोग खड़े हुए हैं, नाराजगी जताई जा रही है। नरेंद्र प्रताप अब लिखते हैं कि अब इस जिद के खिलाफ विरोध जन्म ले चुका है, मोदीपुरम में आज अरुण गोविल के खिलाफ नारेबाजी हुई, रथ पर अरुण गोविल के साथ मेयर और विधायक भी थे, जनता ने उन्हें भी नहीं बख्शा। तो बीजेपी के नेता, विधायक, मेयर सब थे, और इस बीच अरुण गोविल जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं मेरठ सीट से, वो भी मौजूद थे। यानी बीजेपी के राम को भी नकारने का काम अब जनता कर रही है। मैं बीजेपी का राम इसलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि इनके राम के अभिनय के तहत ही इनको टिकट दी गई है। अरुण गोविल की इस ख्याति का इस्तेमाल किया जा रहा है कम से कम मोदी जी का सपना 400 पार वाला हो, लेकिन अरुण गोविल जिस तरह के बयान दे रहे हैं, जिस तरह के से लोगों से बात कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, जो तमाम चीजें हो रही हैं, जनता उनका भव्य स्वागत कर रही है भी मैंने आपको दिखाई दिया है, बताता है। यानी भारतीय जनता पार्टी जो शुरुआत में मैंने कहा था जो बीजेपी नायाब नमूने ढूंढ कर लाती है, ऐसे नायाब नमूने ढूंढने की हिम्मत ना कांग्रेस कर पाई, ना सपा कर पाई, ना टीएमसी कर पाया, ना कोई दल नहीं कर पाया, ये बीजेपी ही कर सकती है। कि आजाद हुआ भारत 2014 के बाद लीज पर आजादी मिली, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिक्र करना कि वो पीएम क्यों नहीं बने, गायब हो गए, सुभाष चंद्र बोस पहले पीएम थे, प्रधानमंत्री थे इस देश के, ये बयान कोई और नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी और अभिनेता लोग दे रहे हैं। सोचिए ऐसे लोग माननीय बनेंगे तो जनता का कितना कल्याण होगा। नमस्कार।